हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही अमेजिंग लिपस्टिक लेकर आई हूँ। इट्स अ बुलेट लिपस्टिक एंड इट्स फ्रॉम ब्लू हेवन। यू गाइस, बहुत टाइम हो गया, बहुत अरसा हो गया ब्लू हेवन की कोई लिपस्टिक नहीं रिव्यू करी। ब्लू हेवन का इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम रिव्यू किया था तो उनकी पूरी एंड रेंज रिव्यू करी थी। बाय द वे, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं यहाँ लिंक कर दूंगी, मेक श्योर टू चेक इट आउट, जरूर देख लेना वो वीडियो। द प्रोडक्ट्स आर अमेजिंग ब्लू हेवन की एंड रेंज के। द लिप टिंट, ओ गॉड, इट वॉज सो गुड। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स उसमें मुझे काफी अच्छे लगे थे। एंड देन ब्लू हेवन लॉन्च देयर न्यू लिपस्टिक, नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक्स इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट शेड्स। तो आई थॉट भाई चलो आप लोगों के साथ उनका लिप्स वॉच वीडियो / रिव्यू शेयर कर दूं। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग ये कौन सी लिपस्टिक है जिनके बारे में बात कर रही हूं, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा हैंडल है nidhi.167। लेट्स बिगिन। आज हम बात करने वाले हैं इनकी, ये है ब्लू हेवन की हाइपर स्टे सुपर मैट लिपस्टिक। दीज आर बुलेट लिपस्टिक्स जो कि सुपर मैट है, दैट मींस दीज आर नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक बट इन अ बुलेट फॉर्म। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग एंड पैकेजिंग की। ये कुछ इस तरीके की कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है एंड आपको एक लिपस्टिक एक बॉक्स में मिल जाती है। सारी की सारी प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट आपको इस बॉक्स पे मिल जाती है। इसकी शेल्फ लाइफ 24 मंथ्स की है और ये रिटेल करती है फॉर 300 रुपीज और इसमें आपको मिल जाता है 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअल बुलेट की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप की बड़ी ही स्लीक सी पैकेजिंग में आती है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, वेरी डिफरेंट, वेरी स्लीक, वेरी मिनिमल और काफी अच्छी दिखने में है पैकेजिंग। जो इसका कैप है वो बहुत ज्यादा स्टर्डी है, सो आप अच्छे से ये लॉक हो जाती है। एंड अगर आप इसको लेकर के ट्रैवल कर रहे हो, अपने बैग में रख रहे हो, अपने यू नो मेकअप बैग में रख रहे हो, देन ये ओपन नहीं होगी बिकॉज दिस कैप इज वेरी 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 स्ट्रांग एंड वेरी स्टर्डी। सो इस टाइप की पैकेजिंग में आती है। एंड ट्यूब के ऊपर भी आपको एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड MRP मिल जाती है। बॉटम में एक स्टिकर मिलता है जिसके ऊपर आपको इसका अगेन क्वांटिटी और शेड जो है वो बेसिकली आपको शेड का नाम और नंबर आपको इसके बॉटम में मिल जाता है। जब आप इसको खोलते हो तो इस टाइप की बुलेट होती है, गोल्डन आपको इसका ये बैरल मिलता है। एंड दिस इज हाउ मच द प्रोडक्ट दैट यू गेट। ऑनेस्टली बता रही हूँ, आपको काफी सारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपको आराम से साल भर लास्ट करेगा अगर आप इसको लिटरली हर रोज भी इस्तेमाल करते हो। तो 10, 11, 12, 13, 14 मेरे पास यहाँ पर 16 शेड्स हैं। तो पहले हम यहाँ पर इसके स्वॉचेस देख लेते हैं विद एंड विदाउट मेकअप। विदाउट मेकअप में मैंने लिटरली अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, यू कैन इवन सी माई डार्क सर्कल्स। एंड विद मेकअप आई एम वेयरिंग अ फुल फेस ऑफ मेकअप। सो लेट्स सी द स्वॉचेस फर्स्ट। तो सबसे पहला शेड जो है वो है एक्सोटिक रेड 701। बहुत ही सुंदर सा रेड शेड है जो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इंडियन स्किन टोन्स पे अच्छा लगेगा। दिस इज़ अ कूल टोन रेड शेड जस्ट इन केस, बिकॉज यू नो आप देख रहे हो एक हल्का सा ब्लू का अंडरटोन आपको इसमें मिलेगा। दीज लिपस्टिक्स आर नॉन ट्रांसफर, वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, सो आई लव दीज। जो नेक्स्ट शेड है इट्स कॉल्ड टोमेटो रेड। ये एक प्रॉपर वाला वो टमाटरी लाल होता है ना, इट्स दैट बट वेरेबल रेड कलर, वार्म अंडरटोन है बट इट्स नॉट दैट बोल्ड टोमेटो रेड काइंड ऑफ अ कलर, वेरी नाइस म्यूटेड रेड। आई लाइक दिस शेड एज वेल एंड आई थिंक ये भी काफ़ी सारे स्किन टोन्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। जो नेक्स्ट शेड है दिस इज कॉल्ड रेट्रो स्टाइल एंड दिस इज ए पिंकी रेड कलर, लाइक पिंक का हिंट आप देख सकते हो, बहुत ही विजिबल पिंक का हिंट है इसमें। आई वुड से इट्स मोर टुवर्ड द पिंकी साइड एंड आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है विद एंड विदाउट मेकअप। सो दिस इज 703 रेट्रो स्टाइल। नेक्स्ट वी हैव वेलवेट मरून, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट शेड एंड ये भी ऐसा कलर है ना जो सारे स्किन टोन्स पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। आई लव हाउ डीप रेड कलर दैट इज एंड यू नो चाहे आपको वार्म टोन रेड पसंद हो चाहे ना पसंद हो, दिस इज समथिंग दैट यू विल श्योरली लाइक। नेक्स्ट वी हैव ए स्मोक्ड वायलेट, दिस इज ए पर्पल कलर बट इट्स अ वेरी वेरेबल पर्पल कलर, इट्स नॉट लाइक पर्पल, ये थोड़ा सा जामुनी रेडिश पर्पल कलर है। अगेन अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो तो ये शेड आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक सारे शेड सारे लोग पहन सकते हैं बट दिस that will look specifically good on medium to deep skin tone. Then we have softy mauve, ye ek mauveish color hai and honestly I like it now, like main jab isko dekh rahi hu it looks so nice right, and medium to deep skin tone pe bhi ye chal jayega. Next we have blushed mood, ye ek halka sa पीची न्यूड शेड है एंड अगेन वेरेबल, अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन तक के हो दिस विल लुक गुड ऑन यू। दैट्स हाउ ब्लश्ड मूड लुक्स ऑन मी विद एंड विदाउट मेकअप। आई लाइक दिस कलर एज वेल। डस्टेड ब्राउन इज अ ब्यूटिफुल लाइट ब्राउन कलर, अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो, एक न्यूड शेड देख रहे हो थोड़ा ब्राउन टोन में, देन डस्टेड ब्राउन इज योर कलर, आई लाइक इट। 714 कैरमल कल्ट, एक ये
पीची ब्राउन शेड है. अगेन फेयर टू मीडियम स्किन टोन पे ये बहुत अच्छा लगेगा. एंड एज यू कैन सी द कलर इज रियली नाइस, फुल कवरेज ओपेक फिनिश है एंड इट लास्ट सो लॉन्ग. नेक्स्ट इज मोल्टन लावा. ये एक प्रॉपर वाला डार्क ब्राउन शेड है जो कि यू नो ऑल स्किन टोन्स पे बहुत अच्छा लगेगा. इवन इफ यू आर मीडियम टू डीप ये आपको वॉश ऑफ नहीं करेगा और बहुत ही सुंदर सा न्यूड शेड लगेगा. आई लाइक दिस कलर. आई लाइक इट मोर बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ऐसे डीप ब्राउन नहीं, इट्स एट परफेक्ट ब्राउन. देन वी हैव म्यूटेड रोज. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स एंड इसमें ना बहुत ही सुंदर सा न्यूड पिंक कलर है. स्पेसिफिकली अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो ना, ये बहुत ही सुंदर न्यूड शेड लगेगा आपके ऊपर. देन वी हैव प्लम ट्रैप. ये एक और पर्पल शेड है. इट इज़ स्लाइटली डार्कर देन जो हमने पहले पर्पल कलर देखा था ना, वायलेट वाला. एज यू कैन सी इट्स स्लाइटली डार्कर देन दैट, बट अगेन वेरी वेयरेबल एंड मीडियम टू डीप स्किन टोन के लिए तो परफेक्ट पर्पल कलर है. इनफैक्ट एक हल्का सा न्यूडिश टिंज देगा ये आपको. देन वी हैव रस्टिक रेड. दिस इज अ वार्म टोन रेड कलर, लाइटर देन वेलवेट मरून, बट इट्स लाइक आप देख सकते हो काफ़ी वार्म अंडर टोन है उसमें. देन वी हैव कुकी चिप. नाउ ये जो है, जो अभी तक मैंने दो डार्क ब्राउन शेड्स दिखाए ना, उसके बीच का शेड है. सो इट्स दैट प्रॉपर वार्म टोन ब्राउन कलर जो कि ऑलमोस्ट सारे स्किन टोन्स पे बहुत ही सुंदर लगेगा. इफ़ यू आर फेयर तो ये ब्राउन लगेगा, अगर आप मीडियम टू डीप के हो तो ये न्यूड शेड लगेगा. नेक्स्ट वी हैव स्पाइसी न्यूड. ये एक लाइट शेड है जो फेयर स्किन को पे बहुत अच्छा लगेगा. इट हैज़ दैट पिंक अंडरटोन टू इट, कोरली कलर है हल्का सा. आई लाइक इट एज वेल, ऑनेस्टली बता रही हूँ. नाउ दैट आई सी, आई फील दिस लुक्स गुड ऑन मी. वॉट यू थिंक, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. देन वी हैव बेक्ड ब्राउन. दिस इज अगेन अ वेरी वार्म टोन ब्राउन कलर, ऑलमोस्ट क्लोज टू रेड. रेड का थोड़ा सा वाइब दे रहा है. सो दैट्स हाउ बेक्ड ब्राउन लुक्स लाइक. आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अपने लिप्स पे क्या लगाया हुआ है. सो आई हैव द शेड वेलवेट मरून ऑन माय लिप्स. रिमेंबर ब्लू हेवन की नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक आई थी एंड उसमें एक वेलवेट मरून वाला शेड होता था. इट्स एग्जैक्टली द सेम. बहुत ही सुंदर शेड है. आई विल गिव यू अ स्वॉच ऑल्सो. किसी भी स्किन टोन के आप होना, ये वाला शेड आपके ऊपर बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा. इट्स डार्क, इट्स रेड एंड इट्स वेरी 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 प्रिटी. मेरा फेवरेट शेड अगर मैं इस पूरी रेंज में से बोलूंगी ना, तो आई लव दिस पर्टिकुलर शेड. दिस इज कॉल्ड म्यूटेड रोज. ये बहुत ही सुंदर सा न्यूड पिंकी न्यूड कलर है. सो दिस इज म्यूटेड रोज. अगर फॉर्मूला की बात करूं मैं, तो इसको लगाते वक्त ना ये बहुत ही इजीली ग्लाइड होगी आपके लिप्स पे. लाइक आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक है. इतना स्मूथ एप्लीकेशन है. ऑल्सो वन स्ट्रोक फुल कवरेज फिनिश है. तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे रगड़ते रहना पड़ेगा. फॉर लाइटर शेड्स हो सकता है कि आपको एक से दो कोट करना पड़े, बट फॉर डार्कर शेड्स वन स्वाइप में आपको एकदम ओपेक फिनिश मिल जाएगी. बहुत जल्दी ड्राई डाउन भी हो जाती है. आराम से 30 से 40 सेकंड के अंदर ये एकदम मैट हो जाएगी एंड नॉन ट्रांसफर बन जाएगी. बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती है एंड इसी वजह से ये काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है. अगर आप ऑयली खाना नहीं खाते हो तो ये फुल डे आपके लिप्स पे टिकी रहेगी. ऑल्सो इट्स वेरी 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 कंफर्टेबल. ऐसा नहीं है कि ड्राई आउट करेगी, ऐसे निचोड़ नहीं लेगी आपके लिप्स में से मॉइस्चर को. दीज आर कंफर्टेबल बट एट द सेम टाइम सुपर डुपर मैट है. ऑल्सो ये बिल्कुल नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है एंड एज आई मेंशन दे आर वेरी कंफर्टेबल ऑन the lips. अगर आप इनको बाय करना चाहते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट. आई ऑनेस्टली लव दीज लिपस्टिक्स. एनी वेज, बुलेट लिपस्टिक्स एंड नॉन ट्रांसफर, ये कॉम्बिनेशन अपने आप में ही बहुत अच्छा है क्योंकि बुलेट लिपस्टिक्स लगाने में काफी आसान रहती हैं, जल्दी ड्राई डाउन हो जाती है एंड दे आर मच मोर कंफर्टेबल देन लिक्विड लिपस्टिक्स. एंड अगर नॉन ट्रांसफर है तो फिर तो और सोने पे सुहागा हो जाता है. इनकी जो शेड रेंज है वो भी मुझे काफी पसंद आई. ऑनेस्टली बता रही हूँ, आई हैव 16 शेड्स एंड ये सारे शेड्स में से दो तीन शेड कम से कम आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से मिल जाएंगे. देर आर पर्पल्स, देर आर रेड्स, देर आर पिंक्स एंड न्यूड्स भी हैं, जो कि फेयर मीडियम और डीप स्किन टोन सबके हिसाब से. आई जेन्युइनली लव्ड द होल रेंज. सो दैट वाज ऑल फॉर ब्लू हेवन हाइपर स्टे सुपर मैट लिपस्टिक. आई होप ये रिव्यू / स्वॉच वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.